सो ए व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नए वीडियो में। लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्केड के लैब लिमिट के आए हुए अपडेट के बारे में, जो आर्केड के ऑफिशियल पेज पे भी विजिबल है, तो आप लोग भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आपको मैं पूरा फंडा समझाता हूँ लैब लिमिट का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि काफी सारे इशू आ रहे हैं माइलस्टोन अर्न करने में। उनको बताऊंगा कि आप माइलस्टोन कैसे रीच कर सकते हो इफ लैब लिमिट है तब भी, राइट। तो वीडियो को पूरे देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले अगर हम मार्केट के पेज पर जाएंगे तो हल्का सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो गॉट क्वेश्चन अबाउट लैब लिमिट, चेक आउट द लैब यूजेस गाइडलाइन हियर, ठीक है। तो मैं हियर पे क्लिक करता हूँ, बेसिकली ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा रहेगा, हे देयर आर्केड प्लेयर्स, वी होप द न्यू लैब लिमिट इज हेल्पिंग यू टू रीच योर लर्निंग एंड अर्निंग गोल्स इन द आर्केड। हाउएवर, ये लोग जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका रीजन समझना है, इसके पीछे का रीजन कैसे क्यों करा गया, राइट। तो चलो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। सो यहाँ पे जो है, वाई दिस चेंज, तो यार ये बोल रहे हैं कि बिकॉज यू डिजर्व प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर क्लाउड स्किल गोल एज एफिशिएंटली एंड फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल। अब समझो क्यों करा गया, रीजन इन्हें नीचे दिया गया। पॉइंट नंबर वन, न्यू सीजन आर्केड का स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पीड में सारा इवेंट इसी दो मंथ में कंप्लीट करो, क्योंकि स्पीड कभी भी लर्निंग का हिस्सा नहीं रहा है, राइट। जितनी तेज करने की कोशिश करोगे, मान लो दो मंथ में खत्म करोगे स्वैग्स के लिए, इट्स नॉट इंक्रीजिंग योर लर्निंग्स, राइट। तो इन लोगों का फोकस है कि आप जो है धीरे धीरे चीजें करो, एंड आपके पास काफी सारा समय, क्योंकि दिसंबर तक इवेंट्स चल रहे हैं, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सबसे पहला रीजन है कि स्पीड जो काफी ज्यादा बढ़ रही थी, उस कारण है। सेकेंड पॉइंट, ये लोग जानते हैं कि बार बार एक एक चीज करना कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, राइट। तो वो चीज कम हो, ये राइट बैलेंस बनाना चाहते हैं बिटवीन लैब, डूइंग लैब एंड लिविंग योर नॉर्मल लाइफ, राइट। एंड थर्ड पॉइंट के बारे में बताया इन्हें कि यार ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हर कोई एक ही बार में सक्सेसफुली लैब कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो यार इन लोगों ने बताया कि वी रिकमेंड यूजर टू फर्स्ट गो थ्रू द लैब इंस्ट्रक्शन। अगर एक बार में कहीं अटक रहे हो किसी लैब में, किसी भी वीडियो के सोल्यूशन के थ्रू भी आप अटक रहे हो, लैब के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, उसको पढ़ के कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये करेक्ट वे भी है लर्निंग का, एज वेल एज ये आपके लैब भी कंप्लीट कर पाएगा एक बार में। अब मे बी काफी बार होता है नहीं कर पाते, देन गो टूवर्ड्स वीडियो, नो इशू। नाउ लर्निंग फॉर ऑल, थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन एंड पेशेंस, एंड वी वर वर्किंग टूवर्ड्स आर्केड लर्निंग एक्सपीरियंस, मेकिंग आर्केड लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर डे बाय डे। सो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना नया लैब लिमिट, जिसके ये एफर्ट कर रहे हैं कि राइट बैलेंस हो और वहाँ पे प्रॉपर रूम हो आपकी स्किल ग्रोथ का भी। सो ये बोल रहे हैं कि जिसके थ्रू इनका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छे से चल पाए और ये लोग काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल कर पाए। काफ़ी सारे नए माइलस्टोन आपके सामने जल्दी रिवील करने वाले। सो ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है एंड आपको सारी चीज़ें बता दी है। एक चीज़ और बता दूँ, इन्हें ऐसा क्यों करा है, तो ये लोग जो है, जो लोग नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, उसको रिमूव करने के लिए भी करा है। अब यहाँ पे काफ़ी से लोगों का माइंड में कन्फ्यूजन है, स्क्रिप्ट 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 काफ़ी दिन से चल रहा है। तो मैं स्क्रिप्ट का मतलब समझा तो होता क्या है, अगर आप गेटअप पे जाओगे, गेटअप पे जाके अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, राइट, मैं आपको पूरा का पूरा कोड देता हूँ, राइट, वो कोड आप कॉपी पेस्ट करते हो, वो स्क्रिप्ट नहीं है, राइट। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप सूडो कोड यूज़ कर रहे हो, राइट, जैसे दो लाइन का कोड दे दिया, वहीं से ऑटोमेटिकली वो कोड यूज़ हो रहा है, इट्स नॉट अलाउड। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, प्रॉपर गेटअप पे जाओ, कोड यूज़ करो, गेटअप का नहीं करना है, लैब का कोड यूज़ करो, नो इशू। ये चीज़ आप कर सकते हो और इससे अपनी लैब कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेक श्योर करके चैनल पर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, इनकेस आपके कोई डाउट रह जाते हैं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।